आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। खानपुर विधायक द्वारा लक्सर तहसील में समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की गई। कई साल से गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना में अटकी गंगा के तटबंधों की 178 करोड़ की फाइल पर कार्य शुरू होने के क्रम में जीएफसीसी के चेयरमैन गुलशन राज, जॉइंट डायरेक्टर शमशूल सहित अन्य अधिकारियों द्वारा गंगा के तटों का निरीक्षण किया गया। मॉडल स्टडी का कार्य भी समाप्त हो गया है। सोलानी के तटबंधों के निर्माण के लिए भी 53 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। देखिए क्या है कि गंगा के तटबंध को लेकर लगभग कई वर्षों से गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन में जो है हमारा प्रस्ताव लंबित है। 178 करोड़ का गंगा के तटबंध का ये मामला है और लगभग 2 साल से इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा था। जल शक्ति मंत्रालय से मैंने संपर्क किया, उनसे बात की और इसकी कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया। माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी ने निरीक्षण स्वयं आकर किया और लगातार अधिकारियों को उनके द्वारा आदेशित किया गया और बहुत तेजी के साथ कार्रवाई शुरू हुई है। आज केंद्र से टीम आई थी, जीएफसीसी के लोग आए थे, उन लोगों ने निरीक्षण किया। उन्होंने मॉडल स्टडी जो पिछली बार पत्र लिखकर मुझे अवगत कराया था माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मंत्री जी द्वारा, उस मॉडल स्टडी को भी उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अब बहुत दूर नहीं है हमारी राह गंगा के तटबंध को पाने की। लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ये तटबंध हमारा बनेगा जिससे हमारा पूरा खादर गंगा जी से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा, सोलानी में एक 53 सोलानी नदी के किनारे के जो तटबंधों का मामला है उसमें 53 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं, वो भी उन्होंने मोर और लेस अप्रूव कर दिए हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जो हैं वो हो जाने से पूरा खादर जो है वो सुरक्षित हो जाएगा।